अभी आप कौन से दूध पी रहे हो? पूरा वाइट हो गया, ये दूध डाला है इसमें, भैया इसमें दूध डाला है, दूध डाला इसमें, दूध हाय गाइस, मैं जस्ट अभी घर पहुंची हूँ। आज मैंने अपने ये रेड वाली सदरी पहनी थी, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और इस सूट के साथ बिल्कुल प्रॉपर मैच होगी। और आज थी हमारी हेयरिंग, थी हमारी कोट की, बहुत अच्छी गई है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जो हम चीज़ें इंटरनेट पे बोलते हैं और जो एक्चुअल में होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आज की हेयरिंग मेरी बहुत अच्छी गई, अभी नेक्स्ट हेयरिंग का देखते हैं कि क्या होता है, कैसी होती है और होती भी है या नहीं होती है। सो आज का अच्छा था, अब इसके बाद अगला देखते हैं। हमें जो हमारे वकील सर हैं वो हमें फ़ोन करके बता देंगे कि आगे का कैसे कैसे क्या क्या रहता है। और आज मैं 10:15 के करीब पहुंच गई थी कोर्ट में, तो जज साहब 10:45 के करीब आए थे। और बस कोर्ट रूम के अंदर थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट रुकना होता है, तो वो आपसे कुछ बात बात करते हैं, फिर उसके बाद आप वापस भेज देते हैं। तो आज की हेयरिंग मेरी काफ़ी अच्छी गई और इसके बाद मुझे बहुत, मैं रिलैक्स्ड हूँ, कोई हेयरिंग कोई कुछ नहीं है, अब आराम से हम घर का काम सब कुछ कर सकते हैं। बस अब जल्दी से हम, हाँ आते टाइम हमने जूस पिया था, जहाँ से हम जूस पीते हैं ना, उनकी वाइफ मुझे ना मेरे नीलूगा की लड़की की शादी में मिली थी, बट मैं उनको जानती नहीं, पता नहीं वो कौन से थे, क्योंकि शादी में बहुत लोग मिले थे। तो दीपू बता रहा था कि वो उनकी वाइफ है, वो तुमसे मिले थे, तो शायद मिली होगी, मैं सब बहुत सारे लोगों से मिली थी, बट ऐसे एग्जैक्ट मुझे उन्होंने नाम वगैरह नहीं बताया, अदरवाइज मुझे पता था कि वह कौन है। तो वहाँ पर हम जूस पी के आए आज सुबह सुबह, मैं कुछ भी खाना वाना कुछ नहीं खा के गई, जस्ट मैं चाय पी के गई थी। और अभी मुझे खाना है, खाना देखते हैं, मैं थोड़ी देर तक खाना वाना खाती हूँ, चेंज करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मम्मी, सो मैं अभी जस्ट अंदर थी और पहले मेरा मन किया मैं सो जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार सोना नहीं है अभी, बाद में सोऊंगी, बाद में मतलब अब रात को ही सोऊंगी। सो आज की हमारी जो कोट की हेयरिंग थी बहुत 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 अच्छी गई है, अब अगली हेयरिंग में देखते हैं कि क्या होता है। और जो कहते हैं ना कि जो इंसान धीरे धीरे ज़िंदगी में ना, आपकी लाइफ में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें होती है और आपको बहुत ज़्यादा सब्र भी रखना पड़ता है, वेट भी करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का, बट जो एंड में रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे निकल के आते हैं। और बाकी आप सब लोगों को सब कुछ अभी दिख रहा है कि कौन कैसा है और कौन कैसा है। मैं हमेशा से यही बोलना चाहती थी कि मुझे अपना घर बसाना है, बट हमेशा मुझे गलत प्रूव किया जाता था कि ये जाना नहीं चाहती है। और आज एक ऐसा टाइम है जब मैं कहती हूँ, मैं पहले भी कहती थी बट मैं इसीलिए कहती थी कि एक जब कोर्ट में चीज़ें चल रही है तो एक तरीके से सब कुछ हो, उससे पहले एक साल का टाइम मैंने दिया कि सामने वाला इंसान आए घर से इज्जत के साथ लेके जाए, क्योंकि जब शादी सारे रिचुअल्स के साथ हुई है, बच्चा हुआ है, सब चीज़ें हुई है, तो एक लड़की भी थोड़ी सी इज्जत, मिनिमम इज्जत तो लड़की चाहती है ना कि उसको इज्जत के साथ उसके घर वापस लेके जाए, जिस तरीके से निकाला था उसी तरीके से उसको घर से वापस लेके जाए, घर के अंदर आया जाए। ऐसा तो नहीं कि रास्ते में चलते ही शादी करके आप ले गए, घर से लेके गए थे ना शादी करके, तो उस तरीके से मैं चाहती थी कि सारी चीज़ें हों, बट वैसा नहीं हुआ। अभी कोर्ट में जो हमारा सेक्शन 9 चल रहा है उसके थ्रू भी है कि वापस लेके जाना है, वापस लेके जाना है, तो ठीक है। उसकी काफ़ी सारी हेयरिंग्स थी, काफ़ी सारी हेयरिंग्स में मेरे से नहीं पहुंचता था क्योंकि मैं कभी आउट ऑफ स्टेशन होती थी, कभी कुछ था, एनीवेज वो तो बात की बातें थी। अभी जो फाइनल हमारी चीज़ें जज साहब के सामने गई है, तो अब हमारा ये हुआ कि हमें आपस में मिलवाया, वैलेंटाइंस डे भी हमारा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, सारी चीज़ें हुई, हमारी जो काम कोई नहीं कर पाया वो कोर्ट ने कर दिया, हम मिले भी, सब कुछ हुआ है ना। बट उसके बाद भी अब जो है अब जैसे लड़की कोर्ट में बेचारी, मम्मी अंदर रोटी बनाया कर दे, हाँ आ जाओ। अच्छा सुबह ताई जी थे, वो बोल रहे कि मम्मी कहाँ है। और अब यार जब लड़की तैयार है सब चीज़ें हैं, कितने जाना? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी। तो कल प्रभात फेरी निकल रही है और परसों है महाशिवरात्रि, आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आज ना मेरा मन किया कि नहीं यार थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो
जब आप मैं जाना चाहती हूँ, सारी चीज़ें अच्छी हैं, अब सामने वाला बंदा नहीं लेके जाना चाहता, वो पहले भी नहीं लेके जाना चाहते थे, पहले ही चीज़ें ये थी कि मुझे गलत प्रूफ किया जाता था, क्योंकि मैं कभी भी इंटरनेट पे ना, आप लोगों ने भी देखा कि मैंने कभी कोर्ट हियरिंग ये सब मैंने कभी डिस्कस किया नहीं, क्योंकि मुझे था कि यार जहाँ पे जस्टिस मिला वहाँ पे मुझे डिस्कस करना। बट अभी मैं बहुत खुश थी कि हाँ वापस जाऊँगी, घर बसेगा, सब कुछ होगा। बट जब सामने वाला वो लेके ही नहीं जाना चाहता है, और मैं सिर्फ इसलिए चाहती थी कि हम चारों फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश रहें, सब कुछ अच्छा हो। आगे अब देखते हैं कि जज साहब के क्या ऑर्डर्स रहते हैं, कैसा रहता है। बट ठीक है, मेरा तो अभी, मैं तो अभी भी उसी फैसले पे हूँ कि नहीं मुझे वापस जाना है, और एक कोर्ट के तरीके से, कोर्ट की प्रोटेक्शन में, सारी चीज़ों में वापस जो मुझे लेके जाएंगे उसमें होगा। बट अब सामने वाला बंदा बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, कहते हैं ना कि चोरी करते हैं ऊपर से सीना चोरी है। पर ठीक है, सारी गलतियां माफ़ करके भी मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, बट उसके बाद भी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। और आप लोगों के सामने अब सारी चीज़ें, अब सब आप लोगों के सामने, सब लोग बोलते रहे प्रीति तुम जाने दे जाने दे, प्रीति तो हमेशा से रेडी थी जाने के लिए, पर लेके जाने का एक तरीका होता ना, उसी तरीके से मैं जाना चाहती थी। अब ठीक है, देखते हैं कि आगे की हियरिंग में क्या होता है, आगे की हियरिंग होगी भी या नहीं होगी, या फिर चीज़ें यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी और उसके आगे दोबारा से सारे प्रोसेस हमारे शुरू होंगे। फिलहाल तो हम जाके खाना खाते हैं, क्योंकि मम्मी ने बना दिया है खाना, और मेरे गले की हालत यार इतनी ख़राब हो गई है ना, अब मैं इस जाके खाना खाऊंगी, कुछ काम मेरे को और करने हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। और यार मैंने ना एक रील डाली थी यहाँ पे, जब हमारा पूरा घर ना बन रहा था तब की, और जब कंप्लीट हो चुका है उसकी, तो आप लोग वो इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर देखना, लिव लाइफ विद प्रीति के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। अभी हम नीचे जाके खाना खा के आते हैं, दरवाज़ा मैं थोड़ा सा खोल देती हूँ, या फिर मैं ऊपर भेजती हूँ मम्मी को कि मम्मी आप ऊपर जाओ, फिर मैं नीचे खाना खाने के लिए जाती हूँ। सो चलिए जी हम चलते हैं। सुबह से कुछ नहीं खा के गई थी, हमने जूस पिया था बस, और कुछ नहीं। तो अब खाना खा के आते हैं, और बहुत सारा काम करने के लिए पड़ा है यार, ऊपर का भी है नीचे भी काफ़ी सारा काम है, देखते हैं कि धीरे धीरे सारा ख़त्म करते हैं काम। कल हमने सोचा था कि हम नीचे सोएंगे, बट फिर हम ऊपर सो गए। मैं अपना खाना लेके आ गई नीचे से, और साथ में ले आई मैं दूध ऊपर चाय बनाने के लिए, क्योंकि दूध ना कल सारा सामान हम नीचे ले गए थे। और ये देखो मम्मी ने सवेरे सवेरे सारे बर्तन साफ कर दिए थे इधर से, और मैं खाऊंगी अपना खाना, मैं यहाँ से इधर बाहर बैठ के खाना खाती हूँ मंजी पे। यहाँ ऊपर बैठ के ना खाना खाने का बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं यहाँ बैठ के पहली बार खाना खा रही हूँ इस तरफ में, जैसे यहाँ पे आराम से आप बैठ के कितना धूप का मज़ा लो, है ना। और मैं ना एक और बात, मुझे कभी कभी से बहुत फील होता है ऐसी चीज़ें कि इंसान की ना शादी सिर्फ एक ही बार होती है, दूसरी बार शादी आपका लक है, अच्छी चली गई तो ठीक है, नहीं तो एक जो पहली बार बंदा शादी करता है ना वो वही होती है। और मेरे साथ ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी, बहुत कुछ मेरे साथ हुआ, बट वो सब होने के बावजूद मैं इतना सब होने के बाद हर लड़की सोचती है कि नहीं बहुत कुछ हो गया, अब मैं दूसरा चांस नहीं दे सकती इस शादी को। बट मैं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दो नहीं हैं, हम तीन लोग इन्वॉल्व हैं, तीन भी क्या चार लोग हैं, क्योंकि एक तरफ एक चीज़ ग्रो हो रही है, एक चीज़ ओल्ड हो रही है, मतलब एक तरफ बचपन है एक तरफ बुढ़ापा है, तो मुझे दोनों की फिक्र है। मैं इसीलिए सोच के अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ, बट अब हो क्या रहा है कि मेरे को लेके ही नहीं जाना चाहते, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। बट ठीक है, फिलहाल अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ भी आया नहीं है, ऑन पेपर्स जो भी चीज़ें आएंगी वो फाइनल माना जाएगा। बट मैं ये सोचती हूँ ना, मैंने कहा यार प्रीति तुझे इतना बुरा बना दिया, आती नहीं है, आती नहीं, आती नहीं है,
जब आ रही हूँ तरीके से आप लेके जा रहे हो, अब आने के लिए तैयार हूँ, अब क्यों नहीं लेके जा रहे हो आप? या फिर सिर्फ ये सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए था कि नहीं हम अच्छे हैं, प्रीति बुरी है? वो भी चलो कोई बात नहीं, जाना चाहती हूँ और ये मेरा स्टैंड है, यही रहेगा, यहाँ भी यही है, कोर्ट में भी यही रहेगा। डबल स्टैंडर्डों के ना मैं चली हूँ ना मैं कभी चलूँगी, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। मम्मी नीचे ना चाय का वेट कर रहे हैं, और हुआ क्या, मैं ऊपर को अपना खाना लेके आई, मैं साथ में दूध भी ले आई, तो मैंने बोला कि मैं ऊपर जाके ना चाय बनाऊंगी, तो मैंने कहा मैं ऊपर जाके चाय बनाऊंगी, और मम्मी को लगा कि प्रीति ने चाय बना ली होगी, और मम्मी खाना खा के नीचे वेट कर रहे हैं कि चाय कब आएगी, मम्मी कहते हैं बन के चाय, मैंने कहा मम्मी अभी तो मैं खाना खा के आती हूँ, तो मम्मी कहते तो दूध लेके, मैंने कहा दूध लेके गई थी कि मेरे को लगा मैं आराम से फिर चाय बनाऊंगी, दूध लेके कहीं मर्जी घूम फिर के आओ, घर तो घर ही है, घर पे आके एकदम सुकून मिलता है, एक कप सुकून वाली चाय पीनी है आराम से, फिर उसके बाद मैं अपने काम पर जुट जाऊंगी। और ना मुझे दीपू और आंटी ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, वो मैं आप लोगों के साथ, हाँ इसी वीडियो में अगर हो सका तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगी। सुबह यार मैं सो रही हूँ, मम्मी बार बार इतना आवाज़ दे, प्रीति चीनी का है, मैंने चीनी ना दूसरे डब्बे में डाल लिया, मम्मी बार बार चीनी का है, सुबह में कितनी नींद आई, मेरा बोलने को मन ना करे, और अगर मैं बोलूँगी तो सब उठ जाएंगे, तो मैं चुप थी, मैंने कहा मम्मी प्लीज़, मैंने कहा नहीं है चीनी आप रहने दो, तो मेरे को नहीं पीनी चाय। फिर मम्मी पता नहीं नीचे से चीनी लेके आए, पता नहीं ये क्या किया, बट सुबह सुबह नहीं बोला जाता है। और अब हमारा रूटीन पूरा सेट हो चुका है अच्छे से, बस अभी एक दो चीज़ें हो रहा है वो भी करनी है, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, बाकी जो चीज़ चल रही है वो तो चलो चलो चल ही रही है। बाकी जज साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हमारी बात सुनते हैं, सब करते हैं, तो मुझे उन पर पूरा विश्वास है। और ये हम डालेंगे इलायची, और मेरा आज मन कर रहा है कि हम कढ़ी बनाएं, हमने रात को बनाई थी दही तड़का और मक्की की रोटी, और अब कड़ी का मन, बट सब लोग कड़ी नहीं खाएंगे क्योंकि ऑलरेडी दही तड़का खा लिया है, अभी सर्दियां जा रही हैं तो दोबारा से नहीं पहना जाएगा। यार सुबह ना मेरे को एक चीज़ लगी कि मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं है सर्दियों के, सर्दियों के मतलब मेरे पास ज़्यादा सूट्स नहीं है, वैसे है मेरे पास सूट्स, वो सारे पार्टी वेयर हैं, तो इसलिए एक सूट मेरे पास है लिबास का, मैंने लिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगले वीडियो में उसको दिखाती हूँ, वो मैंने लिया हुआ है बट मैंने उसको पहना नहीं, मैंने पिछली गर्मी में लिया था, फिर उसके बाद जब मैंने पहनना था तब गर्मियाँ चली गई, फिर मैंने पहना ही नहीं, अभी पहनूंगी थोड़ी गर्मी में, बट अभी फिलहाल मुझे अपने लिए कुछ सूट्स भी स्टिच करवाने, नॉर्मल मुझे स्टिच करवाने का मेरा मन नहीं करता, मैं नॉर्मल अपने जो सूट पहनने के होते वो लिबास से मंगवा लेती हूँ, ज़्यादातर मैं कॉटन के सूट जो मैं पहनती हूँ वो लिबास के होते हैं, या फिर मैं एक बार मैंने वहाँ से भी मंगवाया था सूट, कौन सी यार वो थी, मैत्री जयपुर से, वहाँ के सूट भी अच्छे हैं, मैंने संगरिया के कुर्ते अपनी प्रेगनेंसी में बहुत पहने, संगरिया के और रेन एंड रेनबो के, मिंत्रा पे सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, रेन एंड रेनबो के बड़े अच्छे रहते हैं, संगरिया तो मैंने बहुत पहना है, और कौन सा मैंने ज़्यादा पहना है, बीबा ओरेलिया मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे बीबा ज़्यादा अच्छा लगता है, और ओरेलिया ने बीबा हो गया, तो ये सारे मैंने बहुत पहने हैं, कुर्ते मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। यार मम्मी ने ना मम्मी मेरी वीडियो देखे बोला कि मैं तेरे को बताती हूँ तो क्या क्या बोलती रहती है मम्मी ना, मुझे लगता है कि बर्तन नीचे ले जाते हैं वापस, पता नहीं ऊपर से मम्मी का सूरी मिर्ची का डब्बा भी ले गए, मम्मी को ये लगता है कि सारा सामान क्योंकि वो ऊपर को ले आती है तो मम्मी को अगर नीचे काम करना होता है तो मम्मी को सामान मिलता नहीं है, फिर मम्मी ले जाते हैं सामान नीचे को वापस, यार हम चाय नीचे को लेके जाते हैं और अपनी चाय मैं ऊपर आके पीऊँगी, मम्मी को मैं नीचे पकड़ा दूँगी, और मुझे क्या चाहिए था, और हाँ अपनी चाय मैं डालूँगी ये वाले ग्लास में थोड़ा सा वॉश करके, अगर किचन में कैबिनेट्स होते ना तो सारा वो होता तो बर्तन बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती, कैबिनेट्स के बिना थोड़ा मुश्किल है, हर बर्तन धो के यूज़ करना पड़ता है, वैसे तो यहाँ पे अभी तक कोई छिपकली मेरे को दिखाई नहीं देती है, बट यू नेवर नो ना कहाँ से छिपकली निकल के आ जाए, तो वैम सा हो जाता है, तो इसलिए
मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ, सारे बर्तन मैं धो के यूज़ करती हूँ। मम्मी की चाय में नीचे मम्मी को पकड़ा के आ गई और अपनी चाय में पीऊँगी और साथ में करूँगी अपना व्लॉग एडिट। और कैसी आवाज़ आ रही है, छोटे छोटे से जैसे कोई मक्खी वगैरह कटर कटर, हाँ ऐसे कर रही कोई मक्खी वगैरह। और मेरी चाय भी बन चुकी है, फटाफट से वीडियो अपना मैं एडिट करूँगी क्योंकि फिर उसके बाद शाम को मुझे कोई टाइम नहीं मिलता। शाम को हम लोग घूमते हैं बाहर, अपना सैर वैर करते हैं और क्या, वेट, मेरा वेट कितना है, वेट पे तो कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है मेरा। 59 था वैसे खाने के बाद, मेरा वेट 59 था। अभी देखते हैं, वेट का कोई भी इतना वो नहीं है, वेट की कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। बट ये है कि मैं अपना थोड़ा ध्यान रखो, जैसे कि मैंने अपने बालों की थोड़ी केयर करना भी शुरू किया है ना, तो मेरे बाल अब थोड़े अच्छे हो गए हैं, पहले से मच बेटर हो गया है। और मम्मी नीचे घूम रहे हैं, मम्मी का मन ना नीचे ज़्यादा लगता है क्योंकि मम्मी को होता है कि नीचे ऊपर जाके सीढ़ियाँ से उतरना पड़ेगा, नीचे का मम्मी का पूरा ग्राउंड पे है ना, तो मम्मी को नीचे नीचे अच्छा लगता है। स्कूल के बच्चों को हो चुकी है छुट्टी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ना भाई बहनों के ऐसे हाथ पकड़ के, और इनका ये जो बचपन है ना, मतलब हम भी बड़े हो गए हैं बट वो बचपन कभी वापस नहीं मिलता। जो बचपन हमारा निकल गया ना, उस टाइम भी कोई टेंशन नहीं होती थी, तब ये सोचते थे बड़े होंगे ये होगा वो होगा, ऐसी लाइफ वैसी लाइफ, बट बड़े होके जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। ज़िंदगी जीना आप सीखते हो बट कुछ एज के बाद आपको लगता है कि हाँ ज़िंदगी को जीना चाहिए चाहे जो कुछ भी हो। बट ज़िंदगी जब तक आपको जीना आती है, उससे पहले आपकी लाइफ में सारी अच्छी बुरी चीज़ें हो चुकी होती है। तो कुछ ऐसा होता है हमारा बचपन से लेके आगे तक का सफ़र। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर 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 करना। और वही रुपा मेरे ना यार पैर में तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, पैर को एकदम रिलीफ है क्योंकि अब मेरा चल पा रही हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं, आराम आराम से अब दोनों पैरों पर मेरा वेट अच्छे से आ रहा है। बट जो मेरी लेग की हालत है ना, वो अभी भी थोड़ी वैसे ही है। ज़ख़म भी क्या चीज़ है ना, ज़ख़म भी भर जाते हैं, टाइम लगता है, ऐसे ही रिश्तों में होता है। पैर की ना यार देखो, मेरे पैर की ये हालत ना ऐसी ऐसी हो रही है, अब ठीक तो हो रहा है, अभी पहले से काफ़ी मच बेटर हो गया है। पहले ना पूरा स्वेलिंग थी, अभी स्वेलिंग बहुत कम हो गई है, बाकी धीरे धीरे सारा ठीक हो जाएगा। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि दीपू और आंचल ने मुझे नए घर के लिए क्या गिफ्ट दिया है।